good morning students yesterday we have learned about verbs let's revise it verbs are doing words they tell us what a person an animal or a thing does verbs ke humne two types dekhe main verbs and helping verbs main verbs show an action of a person or a thing helping verbs are the verbs that help the main verb in a sentence by extending its meaning मेन वर्ब क्या होती है जो मेन पर्सन और जो थिंग एनिमल जो भी एक्शन कर रहे हैं वो मेन वर्ब शो करते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करती है कौन कौन सी होती हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज़ आर एम वॉज हैज हैव हैड ये सभी वर्ब्स मेन वर्ब से पहले लगती है लेट्स डू सम मोर बुक एक्सरसाइज एक्सरसाइज डी मेक सेंटेंस इज़ यूजिंग द गिवन फॉर्म ऑफ वर्ब्स यहाँ हमें कुछ वर्ब्स दे रखी हैं और इनसे हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं लाइक ड्रिंकिंग आप इसे क्या सेंटेंस बना सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर ड्राॅइंग रिया इज ड्राॅइंग नीटली रीडिंग माई फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर रेस्ट यू विल डू ऑन योर ओन आप इनके अलावा कोई भी सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ई टेल अस वॉट दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन देल्प बॉक्स यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें कुछ वर्ब्स दे रखी है नीचे हमें इमेज दे रखी है हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन एग्जैक्टली exactly क्या कर रहा है लाइक like फर्स्ट एक बॉय है जो बुक रीड कर रहा है तो इसके लिए कौन सी वर्ब यूज़ होगी रोहन इज रीडिंग अ बुक नेक्स्ट एक बॉय है जो प्लांट्स को वाटर दे रहा है तो इसके लिए वर्ब यूज़ होगी गार्डनर Is watering the plants. Rest you will do on your own. Next exercise F, filling the blanks using is, are am and verb plus ing. Verb plus ing ka matlab hai verb ke baad aapko ing add karna hai Like eat अगर verb है तो eat verb के बाद अगर हम ing add करते हैं तो verb बन जाता है eating. और इसी के साथ हमें helping verb का ka use करना है is, r, m according to subject. Like आय डैश वर्ब हमें दे रखा है ब्रैकेट में दैट इज ईट माई डिनर नाउ आय के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम और ईट के बाद हमें आई एन जी एड कर देना है तो वर्ड बन जाएगा ईटिंग सो द सेंटेंस इज आई एम ईटिंग माई डिनर नाव सेकेंड शी और वर्ब ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है गो टू द मार्किट शी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं शी सिंगुलर है उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है एंड गो के बाद हमें आई एन जी एड करना है तो वर्ब बन जाएगी गोइंग सो द सेंटेंस इज शी इज गोइंग टू द मार्केट नेक्स्ट दे डैश ब्रैकेट में वर्ब है स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन दे प्लूर सब्जेक्ट है इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर एंड स्टडी के बाद हम आई एन जी ऐड कर देंगे तो वर्ब बन जाएगा स्टर्डिंग तो सो द सेंटेंस इज दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ही डैश ब्रैकेट में वर्ब है प्ले इन द पार्क नाओ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं एंड प्ले के बाद आई एन जी ऐड करके वर्ब प्लेइंग बन जाएगा सो द सेंटेंस इज ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क नेक्स्ट एक्सरसाइज जी पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट द बेस फॉर्म ऑफ ईच वन हैज बिन डन फॉर यू बेस फॉर्म क्या होता है जो भी वर्ब दे रखा है अगर उसके साथ आई एन जी एड है या एस ई एस एड है या वर्ब की पास्ट फॉर्म है तो बेस फॉर्म क्या होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स जो भी वो मेन वर्ब है यानी आई एन जी या एस ई एस हटा दे अगर तो जो मेन वर्ब है उसे बेस फॉर्म बोलते हैं वर्ब की लाइक फर्स्ट सेंटेंस है शिखा सिंग्स न यहाँ पर वर्ब है सिंग्स ओके okay, वर्ब के बाद एस लगा हुआ है तो वर्ब अगर हम इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगी सिंग्स और इसका बेस फॉर्म क्या होगा सिंग एस इसलिए ऐड हुआ है बिकॉज आगे सिंगुलर पर्सन है और उसके साथ अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब के एंड में एस या ई एस का ऐड कर देते हैं सो so, वर्ब इज सिंग्स एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सिंग सेकेंड विभोर इज रीडिंग अ बुक नाउ हेयर जो वर्ब है वो क्या है रीडिंग एंड उसका बेस फॉर्म क्या है ये रीड वर्ड के बाद आइए जी को एड किया गया है तो बेस फॉर्म इसका क्या है रीड नेक्स्ट वी मैट हेम येस्टरडे नाउ यहाँ पर वर्ब क्या है मैट मैट क्या है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट मीन्स हम उससे कल मिले थे तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है वो पास्ट वर्ब है तो इसका जो बेस फॉर्म है मेन वर्ब क्या है दैट इज मीट और इसका पास्ट फॉर्म होता है मैट rest you will do on your own kindly complete this exercise in book only thank you